इनवॉल्यूट समझने के लिए सबसे पहले एक सर्कुलर डिस्क अज्यूम कीजिए यह सर्कुलर डिस्क को हमने एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है नेमिंग आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर एंड अप टू एट अगर ये एट पार्ट्स को हम सर्कम्फ्रेंस पे वाइंड की हुई थ्रेड पे एक्सटेंड करेंगे तो हमें थ्रेड पे भी ऐसे एट इक्वल पार्ट्स मिलेंगे ये थ्रेड की लेंथ होगी टू पाई आर सर्कल के हमने एट पार्ट्स किए हैं इसीलिए हमें टू पायर लेंथ के भी एट इक्वल पार्ट्स मिले अगर ये थ्रेड को ये सर्कुलर डिस्क पे हम 90 डिग्री वाइंड करेंगे तो थ्रेड की पोजीशन ऐसे होगी थ्रेड को सर्कल पे 90 डिग्री वाइंड करने से वो दो पार्ट कवर करेगी और रिमेनिंग लेंथ ये सर्कल के टेंजेंट होगी अगर यह थ्रेड की पायर जितनी लेंथ को सर्कल पे हम वाइंड कर देंगे तो यह थ्रेड सर्कल पे 180 डिग्री कवर करेगी और रिमेनिंग लेंथ यहां थ्रेड को 270 डिग्री रोटेट करेंगे तो स्ट्रिंग की पोजीशन ऐसे होगी और 360 डिग्री रोटेशन पे यह थ्रेड सर्कल के ऊपर पूरी वाइंड हो जाएगी नाव आप ये थ्रेड के एंड पॉइंट पे फोकस कीजिए यह थ्रेड को अगर हम सर्कल पे वाइंड करेंगे तो एंड पॉइंट से जो कव जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड इनवॉल्यूट अब मान लीजिए कि सर्कुलर डिस्क पे थ्रेड हमने ऑलरेडी वाइंड करके रखी है नाउ यह थ्रेड को अगर हम अनवाइंड करेंगे और एंड पॉइंट को ट्रेस करेंगे तो भी हमें सेम कर्व मिलेगा नाउ क्वेश्चन यह है कि ये कौ को ड्रॉ कैसे करे सबसे पहले तो रिक्वायर्ड डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और यह लेंथ होगी आपकी टू पायर सर्कल को एट पार्ट्स में डिवाइड किया है तो टू पायर को भी हम एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नाउ यहां पे आप देख सकते हो वन पार्ट ऑन सर्कल इज इक्वल टू वन पार्ट ऑन टू पायर लेंथ ये थ्रेड के एक पार्ट को हम अगर सर्कल पे वाइंड करेंगे तो ये सर्कल पे वन पार्ट कवर करेगा और रिमेनिंग लेंथ सर्कल के टेंजेंट में होगी अगर ये थ्रेड के दो पार्ट्स हम सर्कल पे वाइंड करेंगे तो थ्रेड हमारी पॉइंट टू के पास कांटेक्ट में होगी और ये जो रिमेनिंग लेंथ है वो ये सर्कल को टेंजेंट होगी इन में हमने ये जो स्ट्रिंग है वो इन इलास्टिक कंसिडर की है अगर आप कोई इलास्टिक स्ट्रिंग कंसिडर करोगे तो टेंशन के अकॉर्डिंग उसका एंड पॉइंट सर्कल के नजदीक या दूर हो सकता है यह रीजन से हम इलास्टिक स्ट्रिंग को अवॉइड करेंगे सो इनवॉल्यूट इज कर्व जनरेटेड बाय द एंड पॉइंट ऑफ एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग विच इज वाउंड और अनवाउंड ऑन द सर्कम्फ्रेंट ऑफ ए सर्कल और एनी पॉलीगॉन। सर्कल की जगह पे हम कोई पोलिगोन भी रख सकते हैं ट्रायंगल स्क्वायर पेंटागॉन एटसेट्रा ड्रॉ एन इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल ऑफ 40 एम डायमीटर आल्सो ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इट एट अ पॉइंट 100 एम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल हियर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन तो पहले हम 40 एम एम डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको हम एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सर्कल के टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी टू पा आर हिस्मॉल इज सो टू पायर इज इक्वल टू वन टू फाइव पॉइंट सिक्स एमएम वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली वन ट्वेंटी सिक्स एम एम लेंथ ऑफ दिस लाइन इज वन ट्वेंटी सिक्स वी हैव डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू एट इक्वल पार्ट्स सो व टू डिवाइड दिस लाइन इंटू एट इक्वल पार्ट्स सर्कल पे हम नेमिंग यहां से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट और ये स्टेट लाइन पे वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश सेवन डैश एट डैश उसके बाद हम ये वन टू एट पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे नाउ सर्कल पे वन पॉइंट का मीनिंग ये है कि यहां से हमने जीरो टू वन डैश जितना पार्ट सर्कल पे वाइंड कर लिया है और वन डैश टू एट डैश लेंथ की थ्रेड यहां पे सर्कल को टेंजेंट है सपोज एंड पॉइंट ऑफ द थ्रेड इज पॉइंट पी नाउ ये टेंजेंट पे पॉइंट पी की पोजीशन मार्क करने के लिए हमें वन डैश टू पी जितनी रेडियस लेनी होगी और वन से आर्क ड्रॉ करना होगा यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट पी वन पॉइंट टू का मीनिंग यह है कि जीरो टू टू डैश जितना पार्ट हमने सर्कल पे वाइंड कर लिया है और यह रिमेनिंग लेंथ जो है वो होगी टू डैश टू पी जितनी तो उतनी आर्क लीजिए और ये लाइन पे पी टू पॉइंट फाइन कीजिए थ्री पॉइंट पे हमने जीरो टू थ्री डैश जितना पार्ट वाइंड कर लिया और रिमेनिंग लेंथ होगी थ्री डैश टू पी यहां पे हमें P3 पॉइंट मिलेगा P4 फाइंड करने के लिए हमें रेडियस लेनी होगी फोर डैश टू पी यहां से आर्क लगाना होगा हमें मिलेगा पी फोर यह होगा पी फोर पी फाइव के लिए हमें फाइव डैश से पी जितना डिस्टेंस लेना होगा पॉइंट फाइव से आर्क लगाएंगे यहां पे हमें मिलेगा पी फाइव यहां होगा पी सिक्स और यहां पे होगा पी सेवन दिस इज पी फाइव दिस इज पी सिक्स पी सेवन और पी एट पॉइंट यहां पे होगा पी से स्टार्ट करके पी वन टू पी एट पॉइंट को स्मूथ कौ से ज्वाइन करोगे तो हमें इन्वॉल्व मिलेगा नाउ, वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट हंड्रेड एम एम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज सर्कल का सेंटर है सी यहां से हम हंड्रेड एमएम का आर्क लगाएंगे जो कौ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट को नाम देंगे हम एन हमें यह पॉइंट पे नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए एन पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए उसके बाद सी एन का मिड पॉइंट हमें फाइन करना है जो होगा 50 mm जितने डिस्टेंस पे ये होगा मिड पॉइंट एम सी एन का मिड पॉइंट फाइन करने के बाद एम टू सी या फिर एम टू एन जितनी रेडियस लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है यह सेमी सर्कल हमारे ओरिजिनल सर्कल को यहां पे कट करेगा जिसको हम नाम देंगे एन डैश एन एन डैश होगा हमारा नॉर्मल कौपे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम एक नाइंटी डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे एन पॉइंट के पास ये होगा हमारा टेंजेंट टी टी डैश यहां पे एम को सेंटर लेके सेमी सर्कल हमने इस साइड पे ड्रॉ किया है अगर एम को सेंटर लेके आप सेमी सर्कल इस साइड पे ड्रॉ करोगे तो आपको पॉइंट पे मिलेगा तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने से पहले आपको देखना होगा कि आपका एन पॉइंट कहां पे है Here, N is in between P1 and P2, तो आपको मिड पॉइंट को सेंटर लेके सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है जिससे इंटरसेक्शन आपको वन एंड टू के बीच में मिले एन पॉइंट पी वन एंड पी टू के बीच में है तो एनडेश पॉइंट आपको वन एंड टू के बीच में ही चाहिए कौ कंप्लीट करने के बाद आपको डायमेंशनिंग भी करनी है यहां पे लिखेंगे हम डायमीटर फोर्टी यहां पे लिखेंगे टू पायर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स